करो ना करो ना करो ना करो ना करो ना, खाओ तो करो ना, पियो तो करो ना, बैठो तो हाय करो ना, पहनो तो करो ना, बाहर जाओ तो करो ना, घर आओ तो करो ना, सो तो करो ना, जागो तो भी करो ना, मोबाइल उठाओ तो करो ना, टीवी चलाओ तो करो ना, चैनल बदलो तो करो ना करो ना करो ना। अब क्या करोना ही रहेगा ज़िंदगी में बस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। लॉकडाउन से बोर हो गए हैं ना, तो चलिए आज आपको बैठे बैठे सैर कराते हैं दुबई की, और बताएंगे दुबई से आने वाले कुछ अच्छी खबरों की। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो व्यूअर्स, आप तो जानते हैं कि दुबई यूएई का सबसे बड़ा और महंगा शहर है, जो अपने बिल्डिंग, टूरिज्म, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज और लाइटिंग की वजह से बहुत फेमस है। दुबई दुनिया के 25 महंगे बड़े शहरों में आता है। कोरोना की वजह से बंद किए गए सही मकामात को दुबई ने फाइनली खोलने का फैसला कर लिया। जी हाँ, बड़ी हिम्मत का मुजाहरा करते हुए उन्होंने ये डिसीजन इस ट्यूसडे को लिया है, जबकि वहाँ कोरोना पेशेंट्स की तादाद 52,600 को क्रॉस कर गई है और वहाँ पे 326 डेथ भी हो चुकी हैं। लेकिन क्या किया जाए, इकोनॉमी बहुत डाउन जा रही और दुबई की इकोनॉमी तो मोस्टली है ही टूरिस्ट डिपेंडेंट। अब दुनिया भर से टूरिस्ट दुबई ट्रैवल कर सकेंगे, ये लास्ट ईयर दुबई ने 16.7 मिलियन से भी ज़्यादा टूरिस्ट को वेलकम किया और 2020 में उनका टारगेट 20 मिलियन तक पहुंचने का था, बट सैड कोविड-19 की वजह से ऐसा ना हो सका। दुबई में टूरिज्म का सीज़न अक्टूबर से स्टार्ट होता है, क्योंकि तब तक वहाँ गर्मी में कुछ कमी वाकई हो चुकी होती है। इंटरनेशनल टूरिज़्म खोलने से पहले दुबई की तरफ से सोशल मीडिया पर काफ़ी कैंपेन्स चलाई गई हैं। दुबई होटल्स की तरफ से टूरिस्ट को स्टे कैश एंड डे कैश एंड भी डील्स दी जा रही हैं। सो अगर आप लॉकडाउन की वजह से बोर एंड फ्रस्ट्रेट हो गए हैं एंड यू वांट टू गो आउट, सो यू कैन फॉलो द टर्म्स एंड कंडीशन गिवन बाय दुबई गवर्नमेंट एंड पैक योर बैग्स एंड लेट्स मूव टू दुबई। ना ना, परेशान ना हो, टर्म्स एंड कंडीशन कोई मुश्किल नहीं है। आपको एक छोटा सा काम करना है, सिर्फ अपनी फ्लाइट से 4 दिन पहले कोविड-19 का टेस्ट करवा लें और वो नेगेटिव रिपोर्ट साथ ले जाएं। लेकिन अगर आपने टेस्ट नहीं करवाया तो वो आपको एयरपोर्ट पे, दुबई एयरपोर्ट में पकड़ लेंगे, आपका कोविड-19 टेस्ट करेंगे और तब तक आपको खुद को सेल्फ आइसोलेट करना पड़ेगा। तो इसलिए अच्छा है ना बंदा पहले घर से टेस्ट करवा के जाए, है ना। सो व्यूवर्स, पाकिस्तान से तो एमरेट्स की फ़्लाइट्स कराची, इस्लामाबाद समेत 51 जगहों पर जाएंगी, जबकि फ्लाई दुबई 17 जगहों पर जाएगी। मज़ीद इनकी डिटेल्स के लिए आप इनकी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं। इस बार दुबई पहुंचने पर एक बड़ा प्यारा सा काम होने वाला है, वो क्या, जी जी, आपके पासपोर्ट पे वेलकम स्टिकर भी लगाया जाएगा। सो लेट्स हैव अ ब्रेक फ्रॉम क्वारंटाइन। सो व्यूवर्स, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, और मज़ीद वीडियोस आपको मिलती रहें तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जी हाँ, सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक कर दीजिए, घंटी का बटन दबा दीजिए, और अपना ख्याल रखें और दुआओं में मुझे बहुत याद रखें। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।